तो हम लोग, अरे रोल हो गया है, ये अच्छा नहीं लगता। अरे देखिए काम पहले भोजन बाद में, तो करते हैं ये आप लोग का बड़प्पन है, आप हमारे जो अतिथि हैं, अतिथि का सम्मान करना हमारा फर्ज है। ये नहीं नहीं आपका ये बड़प्पन है, लेकिन समय 5:30 बजे का दे रखा है ना, तो ये लोग वहाँ जाके, दो साथी वहाँ पे जाएंगे, दो यहाँ रहेंगे, और हम जरा समझेंगे कि ये जो एटा में गुरुकुल है इसका क्या हिसाब किताब है। यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म शतपथ, क्या अर्थ है इसका मेधव्रत जी? यही है जो संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य है, मतलब ऐसा ना, जो ये गुरुकुल है, ये महर्षि दयानंद जो थे ना आर्य समाज से, जी जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी, तो आर्य समाज का शुरू किया हुआ है, आर्य समाज की आइडियोलॉजी से। अच्छा, आर्य समाज की आइडियोलॉजी से। ये यहाँ स्वामी ब्रह्मानंद दंडी जी थे जो यहाँ के संस्थापक थे। कितना पुराना है ये? तुरंत आजादी के बाद 48 की इसकी स्थापना है एटा में जी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी यज्ञशाला, इससे बड़ी पूरी दुनिया में यज्ञशाला नहीं। चलिए आइए देखते हैं फिर, यज्ञशाला देखे। नमस्ते जी। नमस्ते। बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? क्या परिचय है, परिचय बताते चलिए। कल आपसे बात हुई थी रात, युवराज सिंह राघव आपसे रात में बात हुई थी। कहाँ पे बात हुई थी? इंस्टा पे आपने पूछा था। अच्छा, इंस्टा पे आपने पूछा था। हाँ देखो, मैं होता क्या ना, इंस्टा पे इतने सारे भैया मैसेज आते हैं कि सब याद नहीं रहते, इसीलिए। तो अभी शहीद पार्क में चर्चा होगी आप लोगों से, है यहाँ पे हमें लगा तब तक जरा 5-10 मिनट में ये देख लिया जाए कि गुरुकुल की मैंने बहुत प्रशंसा सुनी, मुझे बताया गया कि साहब आप यहाँ आए हैं तो गुरुकुल जरूर देखने आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग देखने आ गए, वेद वाणी का श्रवण कर हम आचरणशील बने। सौरभ भैया आप भी नियम की मय, सौरभ भैया मयजंत देवास्तानी धर्माणि प्रथमान, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय पूरा है, ये पट्टिकाओं पे जो है ना, ये आप देखो अपने पूरा, ये ऊपर जो दिखा है वो यजुर्वेद से है ना, 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और मंत्र और अर्थ हिंदी से है। यजुर्वेद का 40वां ही अध्याय लिखने की वजह थोड़ा कर्म से रिलेटेड है, बैठ जाता हूँ मैं, आपकी कॉपी देख सकता हूँ क्या? नहीं बिल्कुल देखिए आप, थोड़ा सा ये बच्चा आपको, आप आए मेरा तिलक करेंगे। जी जी जी। इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नार्चो अरिष्ट नेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये देखिए क्या नाम है आपका? शिव मंगल यदुवंशी कौन है? अश्विनी यदुवंशी आप हैं, ये आपका नाम है? कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? 11 साल के हो आप। ये आपकी कॉपी है अश्विनी। तो शिव मंगल कौन है? तो ये कॉपी किसकी है? आपकी कॉपी में इन्होंने नाम लिख दिया अपना, मेरी थी। ये कह रहे मेरी थी, आप दे दी। आप बड़े भाई हो, आपने छोटे भाई को अपनी कॉपी दे दी, तो प्यार से कह दो यार, इतने गुस्से में क्या है? ये दिल किसने बनाया है? दिल शिव मंगल ने बनाया है, अभी अश्विनी दिल वाले उस पर नहीं पहुंचे हैं। तो मैं, ये पापा का नंबर है, है? क्या करते हैं बेटा आपके पिताजी? थोड़ा जोर से बोलो। दुकान चलाते हैं। हमको पक्का पता है कि जब तुम गुरुजी के सामने नहीं बैठते होगे तो बहुत शैतानी करते होगे। करता है? देखो मुस्कुरा रहे, मना नहीं किया है पापा। और ये किसका नंबर लिखा है? चच्चू। पापा चच्चू और आमोद। आमोद कौन है? इनके पापा। ये चाचा है तुम्हारे? इनके पापा तुम्हारे चाचा है? अच्छा जी। तो क्या क्या पढ़ाया जाता है? ये तुमने लिखा है सब? इमला विदेश, कौन सी क्लास में हो तुम? इसी वर्ष के 6 में हो। तो वर्णमाला और भजन क्या है? भजन ये जरा पढ़ो। सुखी बसे संसार बस दुखियां, हरे ना कोई है अभिलाष, हम सब की भगवान पूरी होए। अच्छा जी, ये भजन है। इंग्लिश भी है, 1-1-1, 2-2-2, उच्चारण भी कैसे करना लिखा हुआ है, ओलम भी लिखी है। और आगे क्या लिखा है? विमल इंदु क्यो विशाल किरण। तो ये क्या क्या पढ़ाई करवाई जाती है यहाँ पे? पहाड़े भी लिखे हैं आयुष जी, पहाड़े भी लिखे हैं, और 13 का पहाड़ा भी लिखा है, और भाई ने भी 13 का पहाड़ा गलत लिखा है, हैं 13 नवैया 107 लिखा हुआ है आयुष जी, हैं। तो
यहाँ भी गड़बड़ है भाई, तेरा का पहाड़ा थोड़ा मुश्किल है। तुम्हारे पहाड़े में भी सबसे ज्यादा गलतियां तेरा में है, और ये जो भैया है ना कैमरे के पीछे, इनको भी तेरा का पहाड़ा नहीं आता। अब तो ये आधे उत्तर प्रदेश को पता चल गया है। पराश्री तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स में पढ़ते हैं। भैया कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पूछो पूछो पूछो, घबराओ नहीं। क्या क्लास में पढ़ते हो बताओ जरा। एटा के अश्विनी कक्षाओं के पार है। ठीक है, ये तुम्हारी क्लास है। सब एक ही रजिस्टर में सब लिख लेते हो क्या? है अलग अलग रजिस्टर नहीं होते हैं? ये किताब दिखाओ जरा, बाल गणित। तो गणित पढ़ाई जाती है तुम लोगों को है? हमारा परिवेश शिक्षा का अधिकार। अच्छा इसमें कहानियां हैं, बढ़िया। एक दिन में फुर्सत से बैठ के बच्चों की सब किताबें पढ़ूंगा। इसमें क्या है? इंग्लिश पेंसिल एक वचन। ये सब कटा क्यों है? सब गड़बड़ लिखा था क्या? थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना होगा अश्विनी बाबू है। और क्या क्या पढ़ाया जाता है तुम लोग को? मंत्रोच्चार भी पढ़ाया जाता है? करो भैया के सामने थोड़ा सा उनको सुना। नहीं नहीं पहले मैं समझ तो लूँ। दरअसल मंत्रोच्चार में जब पिछली दफा विधानसभा चुनाव में निकला था ना जी, तो अयोध्या में गया था मैं गुरुकुल में जी, तो वहाँ मैंने मंत्रोच्चार सुना था। तो आप अभी यहाँ भी सुनिए। आप छठवीं में, आप कौन से उसमें हो? सातवीं में। अच्छा आप लोग रहते भी यहीं हो? कितना पैसा लगता है? 8,000 पैसा साल का। 8,000 रुपये लगता है। तो आप कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो? आप कौन सी क्लास में हो? सिक्स में। इसी साल आए हो? हाँ। अच्छा जी, और इसके पहले तक की पढ़ाई कहाँ, गांव कहाँ है तुम्हारा? जीगन। जीगन जीगन, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र, ये आपकी कॉपी है किताब? ये किताब है आर्य सत्संग गुटका। ये आर्य समाज की यज्ञ की ना, यज्ञ की जो मूल मंत्र होते हैं यज्ञ के लिए जी, सुबह शाम यज्ञ होते हैं दोनों समय जी, और दोनों समय थोड़े से मंत्र भिन्न रहते हैं जी, तो ये उसी को छठवीं से इन लोगों को ये संस्कृत पढ़नी होती है। तो ये अभी लोग, अच्छा ये क्या है इसमें लिखा है? जितेंद्र आर्य गोस्वामी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो तुमने लिखा है किसी ने लिख दिया पत्रकार अध्यापक जितेंद्र आर्य गोस्वामी नहीं है, मतलब इसके तुम्हारा नाम जितेंद्र गोस्वामी है? अच्छा तो किसी ने जितेंद्र आर्य कर दिया। ऐसा भी कुछ होता है ना जो आर्य समाज को मानते हैं वो अपने नाम में आर्य लिखते हैं? ये सब मतलब आए हैं ना इनका। हमारे एक मित्र हैं अनुराग आर्य जी जी, हाँ आईपीएस अधिकारी है यूपी में ही, तो वो भी आर्य लिखते हैं, तो यही वजह होगी है ना। घृताहुति मंत्र, मतलब जब घी की आहुति देते हैं घृत की, तो जो मंत्र पढ़ते हैं सामग्री थोड़े से मंत्र के बाद शुरू होती है सामग्री जो होती है पहले से, मतलब जैसे ये शुरू पहले से ही घी शुरू होता है। तो ये आप आगे, आप जब यहाँ पे आए तो आपको स्कूल के बारे में, आप लोगों को जैसे आपके तो भैया यहाँ है, आपको कैसे पता चला स्कूल के बारे में? हमारे भैया पढ़ते थे। आपके भैया पढ़ते थे? कोई ऐसा भी है जो पहली बार पढ़ने आया जिसके भैया यहाँ ना पढ़ते हो? आप सबके भैया यहाँ पढ़ते थे? तुम्हारे तो बगल में ही बैठे हैं, तू वहां पर डाला मेरे भैया नहीं पढ़ते थे, अभी कह रहा भैया ने कॉपी दी थी। ये तुम्हारे संग आए, तुम इनको लेके आए हो? हैं पहले कौन आया यहाँ पे? साथ आए हो। अच्छा जी, ये पीछे वालों से भी मिल लेते हैं जरा, है कोई ये ना कहे हाँ भाई ये कौन है, जानते हो इसको, पहचानते हो? है चिलगुड्डा, ये चिलगुड्डा है। दैट्स अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी। इसको गौर से देखिए, चिलगुड्डा बोलते हैं इसको। तुम तो कह रहे थे चिलगुड्डा है। तुम्हारा नाम है विनीत, तुम्हारा ता तो है ही नहीं इसमें। अरे वो कहाँ है, ता है नहीं, लिख दे ले लिख दो ता। अब पूरा नाम होगा तुम्हारा विनीत यादव। अब तुम्हारी कॉपी चेक करें, चाचा पापा के नंबर लिखे अंदर, ठीक लिखाना। तुम कौन सी क्लास में हो? घबराओ नहीं बताओ बच्चे। चार में। तुम कौन सी क्लास में हो? नाइन्थ में हो। तो ये लोग जैसे टेंथ में बोर्ड का एग्जाम कहाँ पे देते हैं? जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो रोहतक में है ना, एमडी यूनिवर्सिटी से। हाँ एमडीयू रोहतक, वहीं से ये गुरु, ये जो गुरुकुल है ये एमडीयू रोहतक से अच्छे संपर्क है। आपका क्या नाम है गुरु जी? विजय देव। विजय देव जी, आप कितने वर्षों से हैं इस गुरुशाला में? इसी वर्ष से। इसी वर्ष दो वर्ष तो भैया अब व्यवस्थित। इसके पहले कब आप कहाँ पे थे? इसके पहले, इसके पहले मैं सिरसागंज में था। सिरसागंज में थे, वहां पे भी आप अध्यापन का काम करते जी, थे जी। अच्छा जी बताइए क्या कह रहे थे आप, दो वर्ष क्या आप कह रहे थे? दो वर्ष थोड़ा व्यवधान रहा होगा कोरोना की वजह से ना। हाँ अव्यवस्थित, अभी 1 सितंबर से सरकार ने
कहा है कि विद्यालय खोल सकते हैं जी, तो जी, फिर ये है कि अभी हम लोग ना कि वो तीसरी लहर का भी चक्र चल रहा है ना, आप विद्यालय के संस्थापक, मैं संरक्षक हूँ, संरक्षक संस्थापक, ये लोग स्वामी जी खत्म हो गए, स्वामी जी ये सारे आस पड़ोस के लोग हैं, ये सब आस पड़ोस के लोग हैं वो ना, अमन जी ने कहा कुछ लोगों को रखना, अच्छा जी कुछ लोगों को रखना, तो ये आप लोग रन टॉप को देखता है कि आप में से सारे देखते हैं, चलिए अच्छा, मैं आश्चर्य में था, मैं बोलता कि लल्लन टॉप वाले आ रहे, तो मेरे को सौरभ द्विवेदी आ रहे हैं, मैंने कहा ये मुझे नहीं पता, मेरी आप लोगों की क्लास कितने बजे खत्म हो जाती है, 5 बजे, फिर उसके बाद क्या करते हो, खेलते हो, क्या खेलते हो, टीपो खेलते हो, चलो फिर टीपो खेला जाए, उठो, हाँ भाई गुरुजी इन लोगों के साथ मैं खेल सकता हूँ जाके, हैं पढ़ने में ज्यादा मन लगता है खेलने में, सही सही बताओ ना, भगवान के घर में बैठे हो, पढ़ना ज्यादा अच्छे है कि खेलने में, ज्यादा मजा किस में आता है, पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, खेलने में किसी को ज्यादा मजा नहीं आता, दोनों देखो इसने फिर भी थोड़ा ईमानदार, क्या नाम है आपका, सुजीत आर्य, आप आपको यार तुमने तो बड़ी अच्छी धोती पहनी, जरा खड़े हो भैया, अच्छा ये अभी ऐसी वो वाली धोती है वैसे कांच लगा के, वो अभी नहीं पहनते, नहीं ये ब्रह्मचारी कटी वस्त्र ही पहनते, ब्रह्मचारी कटी वस्त्र पहनते हैं, मतलब रैप रैप करके, हाँ रैप, हाँ जो साउथ इंडियन, जी जी ऐसे धोती, बिल्कुल, और वो जो ऐसे धोती का आधा वो धोती होती है, अच्छा ये धोती का आधा है, ऐसे कटी वस्त्र, वो कटी वस्त्र, कहाँ खेलते हो तुम लोग, तुम्हारे हॉस्टल कहाँ बने हैं, ये इधर दोनों तरफ, इधर दो, चलो हमको गुरुकुल तो दिखा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल इतना सुंदर बना, आओ भाई दिखाओ जरा, इनको बच्चों को दिखाने दीजिए, है ना, आप लोग रुको जरा, मैं बालकों के साथ, ना, 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 बच्चों के साथ, आ जाओ भाई, तो तुम लोग यहाँ पे हवन करते हो, ये यज्ञशाला है, नहीं ये मुख्य यज्ञ कुंड है, ये मुख्य यज्ञ कुंड है, बड़ा आयोजन कोई होता है वैसे ही, अब ये अब आप लोग बताओगे, हम तो भाई गुरुशाला में आए हैं, हम गुरुकुल में, अब तुम लोगों को बताना क्या है, ठीक है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड है, और ये दीवारों पे जो मंत्र लिखे हैं ये कहाँ के मंत्र हैं, सब वेदों के मंत्र हैं, वेदों के मंत्र हैं, चलो जी थोड़ा ये पीछे रास्ता कहाँ जाता है, इसके पीछे उधर जंगल है, ये यज्ञशाला यहाँ खत्म, गांव में पीछे गुरुकुल खत्म हो जाता है, गुरुकुल की ये परिसर, ये किसी इंडस्ट्री में यहाँ पे जिन्होंने दान किया होगा, सारे लोगों के नाम लिखे, उनके नाम लिखे हुए, न्यू कराची हो क्या है, ये आजादी के पहले बना हुआ है क्या, नहीं 48 से ये शुरू हुआ था, न्यू कराची कोई जगह रही, न्यू कराची इंजीनियरिंग ये कोई संस्था रही होगी, मुंबई बॉक्स करके ना, मैनपुरी, बंबई, जामनगर, जो स्तंभ बना है ना उनका नाम उसी स्तंभ के लिए, ये पूरी यज्ञशाला के लिए नहीं, जिसने जिस इसीलिए हर स्तंभ पे अलग अलग नाम है उसका, ये शेड जो बने ये अलग अलग, ये 108 कुंड है ये परिसर यज्ञशाला का ना, सब तरफ 108 कुंड है, वहाँ समाप्ति है, अभी आप यज्ञ करते हो, करते हो, अच्छा ये बताइए सब लोगों ने, तो आप लोग थोड़ा सा अभी मैं करूंगा आप लोगों से अलग से बात कर लूंगा, आप लोगों से तो पॉलिटिकल सामाजिक चर्चा होगी थोड़ा, कि सब लोगों ने सफेद कपड़े पहने, इनके आपका क्या नाम है, ब्रह्मचारी ब्रजेश आर्य, ब्रह्मचारी, अच्छा सब लोग ऐसे नाम बताते हैं, ब्रह्मचारी ब्रजेश, तुम्हारा नाम क्या है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, आपका ब्रह्मचारी, कोई बात नहीं घबराओ नहीं, फोर्थ क्या नाम है, ब्रह्मचारी लवकुश नाम है आपका, बढ़िया, गाँव कहाँ बेटा आपका, नगला सुमेर, पिताजी का नाम क्या है आपके, उदयवीर, उदयवीर जी, तो उदयवीर जी बेटा पापा क्या काम करते हैं आपके, ये सानी लगाते हैं गाय को, गाय को सानी लगाते हैं, सानी लगाने का मतलब समझते हैं आयुष जी, जो गाय के लिए चारा तैयार किया जाता है सुबह शाम, उसमें बरसिंग मिलाई जाती है और उसमें खली वली मिलाई जाती है, उसको सानी लगाना कहते हैं, सानी करना, मेरे नाना जी भी करते थे, आपके नाना जी भी करते थे, आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा, हमारे पिताजी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, डीजे चलाते हैं, साउंड डीजे, हाँ वो गाने वाला डीजे, तब तो आप डांस भी करते होगे, कितना गंदा स्टीरियोटाइप था है, पापा डीजे चलाते हैं तो ये डांस करते हैं, मैंने खुद ही बोल दिया, दुकान है, चलो चलो आगे चल के देखते हैं जरा तुम्हारी है गुरुकुल में और क्या क्या है, तो यहाँ पे कब का भवन होता है ये बताओ जरा, जब कोई बड़ा उत्सव होता है, जब बड़ा उत्सव होता है तब मुख्य यज्ञशाला में हवन होता है, है? हाँ जी, तो अभी एकाध बार उसमें हुआ है तुम लोग के आने के बाद, कब हुआ था, 10 तारीख को, क्या था बड़ा उत्सव, मीटिंग हुई थी, मीटिंग लगी थी, ट्रस्ट की मीटिंग हुई, अच्छा और तुम लोग का हॉस्टल कहाँ पे है, आ जाओ जरा दिखाओ भाई, वहाँ पे हॉस्टल दूर है, हॉस्टल दूर है, कितना दूर है, और ये दाएं हाथ पे बने हुए ये क्या है, ये दोनों हॉस्टल है,
ये हॉस्टल ही तो है फिर आपका हाँ, दूर है दोनों तरफ। हाँ नहीं मैंने सोचा वहां तक जाने का है तो। अरे अरे जाने के लिए क्या दूर है, हम तो इतने दूर निकले इसलिए हैं। आओ भाई जरा तो वहाँ हॉस्टल देखा जाए। हाँ अश्विनी नाम है, अश्विन नाम है, अश्विनी ब्रह्मचारी अश्विनी। तुम लोग इधर रह रहे हो ना उसी अपने कमरे में ले जाओ। ब्रह्मचारी लवकुश, ये दोनों तरफ हॉस्टल बने हुए हैं। आयुष जी आपको भी ऐसे ही किसी हॉस्टल में भर्ती कराया जाए क्या? बिल्कुल। वो देखिए लगता है कुत्ता एक मुर्गी दवा लाया है कहाँ? हाँ उधर उधर स्कॉर्पियो के पीछे, अब उसके पीछे एक और कुत्ता आया, वो कहीं दड़वा हुआ है क्या उधर? नहीं बाहर से कहीं उठा लाया होगा मुर्गी। बढ़िया। ये यहाँ ये आवासीय परिसर किसका है? आचार्य वगैरह आचार्य इसमें रहते हैं। बढ़िया। आप लोग के भोजन सुबह कितने बजे मिलता है बच्चे? सुबह 8 बजे खिचड़ी मिलती है नाश्ते में। उठना कितने बजे पड़ता है ये बताओ पहले? 5 बजे उठ जाते हो? 5 बजे पक्की बात? 5 बजे उठ गए। फिर उठने के बाद अपना फ्रेश फ्रेश हुए, नहाया, मंत्र पाठ किया, स्नान ध्यान के बाद ना? नहीं पहले उठते घर हाथ पाए धोके फिर मंत्र पाठ। उठते ही खाना हाथ पाए धोके मंत्र पाठ फिर शौचादी से निवृत्त होके योग व्यायाम करते हैं। योग व्यायाम कौन सा योग करते हो? योगिंग के बारे अभ्यास और सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कितने कर लेते हो? 12 अभ्यास होते हैं। 12 अभ्यास तुम कितने करते हो? ये सब मिलकर ही करते हैं हम लोग। सब लोगों के लिए तय है 12। अच्छा सूर्य नमस्कार कर लिया फिर उसके बाद? दंत धावन मतलब मंजन करना। दंत मतलब दांत और धावन मतलब धोना किसी भी चीज को। दंत धावन हो गया फिर नहाते हैं फिर स्नान ध्यान किया फिर संध्यावन फिर संध्या। तो चाहे सुबह की पूजा हो चाहे शाम की पूजा उसको बोलते संध्या है। संध्यावन संध्यावन फिर उसके बाद तो यहाँ कोई रहता है इस कमरे में? रहते हैं इस कमरे में रहते हैं। चल सकते हैं आपके कमरे में? बढ़िया। ये तखत पे अभी आपने बिस्तर से समेटना होता है क्या रोज? रोज समेट के बक्से जी हाँ। अच्छा और ये बक्से आपने रोज में रखते हैं? हाँ चलिए जी आइए। तो ये जो संस्था चलती है कहाँ गए मेधावरत जी कहाँ गए? अच्छा तो ऐसे कितने विद्यार्थी रहते हैं इसमें आचार्य जी? इधर आइए इधर देख लीजिए। कितने विद्यार्थी रहते हैं इसे आचार्य जी? इधर इस समय इस गुरुकुल में कितने विद्यार्थी हैं? वैसे 45 हैं। 45 हैं कुल। अच्छा तो ये संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? ज्यादा लोग आ रहे हैं कम? अब बढ़ रही है। एडमिशन 11 का हुआ है अभी। अभी खुला है तो धीमे धीमे आएंगे। तो अब जैसे ये छठवीं में या चौथी में बच्चे आए हैं तो अब ये कौन सी क्लास तक पहुंचे हैं यहाँ पे? हाँ इसमें लग रहा है कोई रह रहा है, इसमें बक्से भी व्यवस्थित लगे हुए हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे वैसे व्यवस्था होती जाएगी। पास वाले के लिए आराम से इनपे चारपाई बिस्तर और मच्छरदानी का इंतजाम होगा। हाँ मच्छरदानी तो लगी हुई है। काम जो है तो ये बताओ सुबह 8 बजे फिर भोजन की खिचड़ी खाए फिर क्या खाते हो? फिर पढ़ने बैठ जाते हैं 11:30 बजे तक पढ़ते हो। फिर उसके बाद फिर भोजन, भोजन में क्या क्या रहता है? दाल और रोटी। फिर उसके बाद फिर 1 घंटे के लिए आराम किसमें भी? चलो एक कमरा देख लो थोड़ा आइडिया लग गया है ना। फिर 1 घंटे आराम करते हैं फिर पढ़ने में। आराम करते हो कि उसमें शैतानी करते हो? नहीं आराम करते हैं। आराम बच्चे कहाँ करते हैं, थक के जब चूर हो जाते हैं खेल खेल के तब आराम करते हैं। फिर उसके बाद शाम को भी क्लास होती है? फिर 1 बजे फिर बैठ जाते हैं। फिर कितने बजे तक? 5 बजे तक। फिर उसके बाद T4 खेलते हो और भी कुछ खेलते हो? तो लाइट कितने बजे बंद हो जाती है? कितने बजे सोना होता है? 9 बजे। 9 बजे तो फिर टीवी भी देखते हो? नहीं टीवी नहीं देखते हो। अखबार पढ़ते हो? नहीं गुरुजी पढ़ते हैं। गुरुजी अखबार पढ़ते हैं बड़े गुरुजी। तो तुम लोग फिर खेलने के बाद क्या करते हो 9 बजे तक? खेलने के बाद भोजन करने जाते फिर संध्यावन करते हैं फिर भोजन के बाद टहलते हैं सो फिर स्वाध्याय करते हैं 9 बजे तक। स्वाध्याय करते हो? क्या कर रहे हो आजकल तुम स्वाध्याय बताओ भाई? क्या नाम है आपका? नितिन आर्य। ब्रह्मचारी नितिन आर्य ऐसे होगा ना परिचय। बताओ क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी तुम स्वाध्याय में? संध्यावन सीख रहे हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। तो 12वीं तक की पढ़ाई होती है या उससे आगे भी होती है? बीए तक होती है। शास्त्री बोलते हैं उसको।
हाँ, तो जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी यही पढ़ाई कर रखी थी, इसीलिए उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने गुरुकुल प्रणाली से ग्रेजुएशन किया था। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। नमस्ते, प्रणाम। ये कुछ लॉस्ट लग रहा है अभी, इसका मन नहीं लगा यहाँ पे। कितने दिन हुए तुम्हें यहाँ आए? अभी आए बेटा, धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी। पढ़ाई बड़ी जरूरी है। हम जब पहली बार आए थे ना घर से हॉस्टल में, तो हम भी खूब रोए थे। मम्मी की बड़ी याद आती थी। उनको भी आती है? नहीं आती है। ये तो पहले ही सख्त हो गया, रो जाएगा। अरे ऐसे कैसे रो जाएगा, ऐसे भी सब मजबूत बच्चे बन गए। हां नहीं नहीं, थोड़ा दुखी सा लग रहा था, लॉस सा। जब पढ़ाई करोगे तो फिर आगे चल के नौकरी करोगे, है ना? फिर मम्मी को खूब प्यार करते हो ना अपनी? हाँ, तो उनके लिए फिर अच्छी अच्छी चीजें लेके जाओगे, उनकी सेवा करोगे, है ना? तो पढ़ाई करने के लिए घर तो छोड़ना पड़ता है। वो एक श्लोक भी है ना, का चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो पांचवा लक्षण तो गृहत्यागी है, घर तो छोड़ना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। हमें देखो नौकरी के चक्कर में भी घर छोड़ के जिला जिला भटकना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, प्रणाम, और आप लोगों को भी प्रणाम।